Okay, so we have just cold started the bike and now we are good to go. Camera nahi chal raha yaar, dimag kharab ho rakha hai. Hum log heavy sar chuke hain aur yahan se nikal rahe hain. अभी तक हम लोगों को कोई भी वाटर क्रॉसिंग नहीं मिली रास्ते में. रोड हाँ थोड़ा बहुत ख़राब था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था. फ्यूल हमारे पास अराउंड हाफ टैंक है तो आई थिंक 100 किलोमीटर बाद हमको पेट्रोल पम्प मिल जाएगा, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू. 100 और 130 किलोमीटर इतना चलेगी बाइक. तो यहाँ से मनाली है अराउंड 222, रोहतांग पास 170 और 472 है चंडीगढ़. ओके, तो यहाँ कहीं एंट्री करवानी है. या ये बहुत बड़ा है तो मैंने जैसे भी कैमरा बंद करा ही था और ये छोटा सा ब्रिज क्रॉस करते ही ये वाटर क्रॉसिंग आ गई. हालांकि इतनी कोई ख़तरनाक वाटर क्रॉसिंग नहीं है लेकिन बहुत लंबी वाटर क्रॉसिंग थी, इसलिए मैंने सोचा वीडियो चला ही लूँ और जूते गीले होने के चांसेस हैं इसमें. अभी तक जूता गीला नहीं हुआ है, प्लीज ना हो अभी भी. ओके, वी हैव डन इट. उफ, तो जूता थोड़ा बहुत गीला हुआ है, थोड़ा बहुत बूंदे गई हैं लेकिन आई थिंक ठीक हो जाएगा, ये सूख जाएगा थोड़ी सी देर में, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील. तो अब मैं करता हूँ कैमरा बंद और आगे ही मिलूँगा. ओके ओके, तो एक वाटर क्रॉसिंग आई है. नवीन को मैंने उधर भेज दिया है क्योंकि अगर वो पीछे बैठा रहेगा ही लाल का सभी तो बाइक थोड़ा डगमगा जाएगी. तो हियर वी गो. ओके, तो ये सबसे खतरनाक वाटर क्रॉसिंग होती है इस रूट पे. ये रोड कैसे है आगे? थोड़ा बहुत कहाँ पे खराब मिलेगा? रोहतांग अभी कितना टाइम लगेगा यहाँ से? हंड्रेड के ऊपर है और टाइम कितना लग जाएगा? आप लोग क्या मनाली से आए हो? अच्छा, अभी कितनी देर पहले? हाँ हाँ, बड़े हैं छोटे हैं? चलो सर, बेस्ट ऑफ लक. हाँ चलो, तो आप लोगों ने सुन ही लिया कि वो ही ज़्यादा बड़े नहीं है, वो स्प्लेंडर वगैरह लेके आ गए हैं तो बोल रहे हैं कि आप ये आराम से लेके जा सकते हैं बाइक. इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे लोग अगर पूछते हैं कि कौन सी बाइक जा सकती है लद्दाख या कौन सी बाइक नहीं जा सकती, तो यार बाइक सब जा सकती है, साइकिल भी जा सकती है, लेकिन चलाने वाले के हाथ में और दिल के अंदर एक जज्बा होना चाहिए जिससे वो बाइक वहाँ तक ले जा सके. अगर आपके दिल में जज्बा नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं ले जा सकते, और अगर आपके दिल में जज्बा है तो मैंने देखा है लोगों को स्कूटी से भी आते हुए, तो आप खुद समझ सकते हैं जो स्कूटी खींचती नहीं है रोड्स पे भी उन स्कूटी से वो लोग लद्दाख करे हुए हैं, तो और अभी भी कर रहे हैं लोग साइकिल से लद्दाख कर रहे हैं, तो साइकिल से इनफैक्ट स्पीति कर रहे हैं, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील. तो आप कर सकते हैं इजीली, बस दिल में लगन होनी चाहिए करने के लिए कि आपको करना है.
अभी हमने जस्ट फ्यूल टॉप अप करा है टांडी से। टाइम हो रहा है 12:32 और हम लोग अब पहुँचे हैं टांडी। ओके, तो अब अभी हम लोग हैं रोहतांग पास से अराउंड 5 या 10 किलोमीटर पहले, आई थिंक, या शायद 5 या 7 किलोमीटर पहले। मेरे जस्ट पीछे मैंने रास्ता जो छोड़ा है वो स्पीति का रास्ता छोड़ा है। मैं आपको एक हल्की सी झलक दिखाता हूँ स्पीति के रास्ते की, अगर मैं दिखा पाया तो, अगर कैमरे ने देख कैमरा कैप्चर कर पाया तो उस चीज़ को। ओके, जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो रास्ता, जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं सारे, वो सारा स्पीति वाला एरिया है। तो ये जो पीछे एक कट निकलता है जो कि स्पीति, और जो कि स्पीति से आप जब आएंगे और रोहतांग पास होके निकलने के लिए तो आप उधर से निकलेंगे। बाकी रोड उसके पीछे से काफ़ी ख़राब थी, मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाया जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, ट्रक्स थे खूब सारे, हमारे आगे भी ट्रक थे पीछे भी ट्रक थे, तो इसलिए। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं रोहतांग पास की तरफ, और मैंने स्पीति आपको दिखाया। अब इस समय मेरे राइट पे जो आप देख रहे हैं पहाड़, वो सारे स्पीति में हैं, वो सारे स्पीति के पहाड़ हैं। तो जो काजा से 150 किलोमीटर मनाली का रास्ता आता है वो यही सेम रूट है, और आप रोहतांग वाले रास्ते क्या देखिए। इसको बनाने का भी कोई सेंस नहीं होता, क्योंकि हर साल यहाँ पे बर्फ इतनी पड़ती है कि ये रास्ता फिर ख़राब हो जाता है। तो ओके, सो आई थिंक वी आर ऑन रोहतांग टॉप। जो टूरिस्ट आते हैं बर्फ़ के लिए, क्योंकि बर्फ़ आगे ऑब्वियसली अब ख़त्म हो चुकी है, लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तब आगे तक बर्फ़ थी, अभी ख़त्म हो चुकी है। तो पीछे की तरफ सारे टूरिस्ट हैं, छोटा सा एक पॉइंट था जहाँ पे हल्की सी बर्फ़ थी, तो अब खाली वहीं बचा। बट लुक एट दिस क्लाउड, बाकी सब चीज़ आप भूल जाइए, बर्फ़ बर्फ़ देखनी भी नहीं थी हम लोगों को, लेकिन आप इस क्लाउड को देखिए। और मैं आपको बता दूं, जो रोहतांग टॉप है यहाँ पे हमेशा एवरी टाइम आपको ऐसा ही मौसम मिलेगा, मतलब जो बादल होते हैं वो मूविंग हमेशा ही मिलेंगे आपको। और हिमाचल में कह लीजिए, आप कश्मीर कह लीजिए, यहाँ पे टाइम लैप्स लेने में इसलिए मज़ा आता है क्योंकि यहाँ पे जो बादल होते हैं वो बहुत तेज़ी से मूव होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव होते हैं। और हम लोग आए हैं अराउंड 2 बज गई है, और 2 बजे हम लोग पहुँचे हैं रोहतांग टॉप पे अभी, और आप देख ही सकते हैं यार बादल कितने सुंदर लग रहे हैं। लेकिन हम लोग आधा घंटा ऊपर रुक गए थे क्योंकि हम लोग अराउंड 7 बजे से रेगुलरली बाइक पे थे, तो रुकना इतना ज़रूरी हो गया था कि रुकते नहीं तो भी पहुंच जाते, लेकिन मेरे थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा था बाइक को, इसलिए फिर मैंने आखिरी में सोचा कि मैं थोड़ा नहीं अब रोक ही देते हैं। अगर इतनी दूर इतनी ढंग से आ गए और उसके बाद अब यहाँ आके स्पीड अप करने की वजह से अगर बाई चांस अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता है, तो इसलिए हम लोग रुक गए थे। हम लोग रुके वहाँ पे, हम लोगों ने मैगी वैगी खाई और कुछ ऑब्वियसली यहाँ नहीं मिलता अभी खाने को, मैगी खाई पानी पिया उसके बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राइनेस हो जाती है बर्फ़ में भी, आप ये मत समझिए। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 मेरे दोस्त, क्या बात है। Thank you.